साथी, जैसे कि पता है आपको कि सीटेट दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो दिसंबर से जनवरी तक चला था, जिसमें जिसका रिज़ल्ट 9 मार्च को दिया था सीबीएसई वाले ने, मतलब सीटेट वाले ने, और सीटेट का मार्कशीट ओरिजिनल जो होता है डिजी लॉकर में, वो आना बाकी था, जो कि मैं देख रहा हूँ डिजी लॉकर में वो आ चुका है, लेकिन डिजी लॉकर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो पेंडिंग बता रहा है, बल्कि वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे साथियों को जिसको भी पेंडिंग बता रहा है और जिसको भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप अगर डिजी लॉकर से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ और आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको वहाँ से अब फिर आपको डिजी लॉकर में भी वो शो होने लगेगा, रिफ्रेश मारेंगे तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद उमंग ऐप का नाम है, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं सीधा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद रजिस्टर करना होता है, जो नंबर आधार कार्ड में लगा हुआ है वही नंबर से इसको रजिस्टर करना होता है। मैं पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ, इसलिए मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा लॉगिन करूँगा। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ लॉगिन पे मैं हम चलिए आपको रजिस्ट्रेशन का पहले प्रोसेस बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के जो आपको आधार कार्ड में लगा हुआ है वो नंबर आपको डालना है, वो डाल के आपको यहाँ पर आई एग्री पे इस पर टिक लगा के आपको एग्री कर देना है, आपको रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, कुछ इस तरीके से आपको बैक आना है। लॉगिन कर लेते हैं पहले हम उमंग ऐप को। तो देखिए उमंग ऐप को लॉगिन करने के बाद, मतलब रजिस्टर करके लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर होम ऑल सर्विस डिजी लॉकर स्टेट ऐसे कुछ लिखा है, तो आपको डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस निशान पर आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सेंट्रल बोर्ड, ऐसे ही सेंट्रल इतना भी लिखिएगा तो वो आ जाएगा। आपको पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दिल्ली। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे में दो ऑप्शन दिया हुआ है, टीचर एलिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर एलिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। तो चलिए मैं पहले मार्कशीट करके आपको बता रहा हूँ। मार्कशीट करने के लिए नेट स्लो है इसलिए थोड़ी बफरिंग हो रहा है। देखिए तो हम सबसे पहले अपनी रोल नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिए और सीटेट दिसंबर 2021, ये सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है, परमिशन करके आप उसको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सक्सेस लिख गया, इसका मतलब ये डाउनलोड हो चुका है, ओके कर देना। तो चलिए साथी, इस तरह से तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट डाउनलोड होके गया कहाँ है, और तो चलिए हम पीछे चलते हैं, बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको फिर से डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे क्लिक करते करते अपलोड डॉक्यूमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आप देखिए ऐसे कीजिएगा, डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है टीचर एलिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, एक लिखा हुआ टीचर एलिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट, दोनों हो गया है डाउनलोड। और आपको देखिए यहाँ पे भी हो गया, ऐसे करिएगा वो थोड़ा देर डाउनलोड करने में लगेगा। बे हो जा, कितनी नेट स्लो है। हो जा ओपन, तो भाई नेट स्लो होने के कारण अभी फ़िलहाल डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा। मैं फिर एक बार नेट चेंज करके देख रहा हूँ।
दूसरे सिम में। ये देखो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद ये देखिए मेरा मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है, देख लिया आप। दूसरी बात, आपको हम डिजी लॉकर में भी यही सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि वहाँ पे भी डाउनलोड हो गया होगा। चलिए बाइक चलते हैं, तो हम आ गए डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर पे आ गए। डिजी लॉकर आने के बाद इशू डॉक्यूमेंट पे चले आए। यहाँ देखिए अभी शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद ये फिर से लेगा, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, हो रहा है सभी शो हो गया। सिलेक्टिविटी टेस्ट मार्कशीट यहाँ पे भी शो होने लगा। तो देख लिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप लगा हो कि मैं आपको आज एक अच्छी जानकारी दी है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।